आइए आज हम बनाएंगे नाचो चिप्स से पूरी मैक्सिकन डिश से तैयार की हुई नाचोस की डिश बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही टैंगी, खट्टी मीठी, स्पाइसी, बहुत ही टेस्टी लगती है और आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। दोस्तों मैंने नाचो चिप्स का वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है तो आप YouTube पे मेरे चैनल में देख सकते हैं कि नाचो चिप्स कैसे बनाते हैं। और आज हम उसी नाचो चिप्स का इस्तेमाल करके हम मैक्सिकन डिश तैयार करेंगे। तो आइए हम नाचोस की मैक्सिकन डिश बना के तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों, नाचोस बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स तो बहुत सारे हैं, आप देखकर ही घबरा जाओगे। तो आइए हम देख लेते हैं नाचोस के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ नाचोस चिप्स लिए हुए हैं। देखिए दोस्तों, एक छोटा प्याज, प्याज को मैंने साफ पानी में धो के और फिर काट के लिया हुआ है। मैंने प्याज को मीडियम काटा है। एक छोटा कैप्सिकम, कैप्सिकम को भी दोस्तों मैंने ऐसा मीडियम काट के लिया हुआ है। 1/4 कप धनिया, धनिया को मैंने साफ पानी में धो के और उसे काट के लिया हुआ है। एक छोटा टमाटर, टमाटर को भी दोस्तों मैंने मीडियम काट के लिया हुआ है। और एक बड़ा टमाटर जिसकी मैंने प्यूरी बना के ली हुई है। यहाँ पे मैंने दोस्तों 1 कप बॉयल राजमा, राजमा को मैंने 7-8 घंटा भिगो के और फिर कुकर में 4 विसल बजा के, फिर नमक डाल के 4 विसल बजा के फिर बॉईल करके लिया हुआ है। ऑलिव ऑयल, टमाटो केचप, यहाँ पे दोस्तों मैंने पेपरिका सॉस का इस्तेमाल किया है। अगर पेपरिका सॉस आपके पास ना हो तो आप कोई भी चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज, बटर और एक छोटा चम्मच नींबू का जूस। देखिए दोस्तों, एक छोटा चम्मच ऑनियन पाउडर जो आप मार्केट में आसानी से मिल जाएगा आपको। एक छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर भी दोस्तों मार्केट में आसानी से मिलेगा। एक छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, एक छोटा चम्मच कैस्टर शुगर, अगर कैस्टर शुगर ना हो तो आप घर पे पीसी हुई चीनी का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, जीरा मैंने रोस्ट करके लिया हुआ है। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार। तो आइए हम नाचोस बनाना शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में हम रेड चिल्ली पाउडर, गार्लिक पाउडर, कैस्टर शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, ऑनियन पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और नमक हम हल्का सा ही डालेंगे, थोड़ा सा। और अब सबको हम हिला देंगे। देखिए अच्छा सा मसाला बनके तैयार हो गया है। आइए अब हम सालसा बनाएंगे। सालसों से ये डिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये डिश का मेन तो सालसा ही इंग्रेडिएंट है। मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। बाउल में देखिए मैंने काटे कैप्सिकम डाले। अब हम टमाटर डालेंगे, कटा हुआ प्याज और 2 चम्मच हम टोमेटो की प्यूरी डालेंगे। नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे दोस्तों। नींबू का जूस डाल देंगे। नींबू का जूस से इसका टेस्ट बहुत ही टैंगी और अच्छा आता है, खट्टा मीठा। और कोरिएंडर लीव्स से तो और भी अच्छा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। सालसा में कोरिएंडर लीव्स डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा हमने जो ये मसाला तैयार किया था वो हम डाल देंगे और इसे अब हम अच्छी तरह से हिला देंगे ताकि सालसा है वो अच्छी तरह से बन के तैयार हो जाए। देखिए दोस्तों, अब सालसा बनके तैयार है। आइए दोस्तों, राजमा को कुक करने के लिए मैंने एक पैन लिया है और पैन में दोस्तों मैंने 2 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल डाला है। आइए, ऑयल है वो गरम हो गया है। मैंने 1/4 कप इसमें टमाटर की प्यूरी डाली और हमने तैयार किया हुआ ड्राई मसाला वो हमने एक बड़ा चम्मच वो डाला। चाहिए इसे अच्छी तरह से हिला देते हैं और इसे और अलग होने तक कुक करने के लिए रख देते हैं। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि टमाटर और मसाला है वो अच्छी तरह से सीख गया है। प्यूरी में से तेल है वो अलग हो रहा है। आइए, मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच पेपरिका सॉस डाला है
दोस्तों ये सॉस बहुत ही स्पाइसी होता है, इसलिए हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब बॉईल किए हुए राजमा डालेंगे। राजमा में दोस्तों मैंने नमक डाल के फिर बॉईल किया था, इसलिए हम नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए 1/4 कप जितना हम पानी डालेंगे। दोस्तों मैंने आधा कप पानी डाला है, 1/4 कप और पानी डाला, और अब स्मैशर की मदद से हम थोड़ा थोड़ा राजमा को हम स्मैश कर देंगे ताकि ग्रेवी है वो अच्छे से थिक हो जाए। देखिए दोस्तों ग्रेवी में अच्छा बॉईल आ गया है और ग्रेवी हल्के से थिक भी हो गई है। आइए अब हम गैस बंद करेंगे और अब हम एक और नया सॉस बना के तैयार करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने एक छोटा कटोरा लिया है जिसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच बटर डाला है। दोस्तों अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच टोमेटो केचप का डालेंगे। और पेपरिका सॉस दोस्तों हम 1 छोटा चम्मच ही डालेंगे। अगर आपके बच्चे तीखा खाना पसंद कम करे तो आप 1/2 छोटा चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी स्पाइसी रहता है। और 1 छोटा चम्मच हमने तैयार किया हुआ मसाला डालेंगे। और आइए अब हम इसे माइक्रोवेव कर देते हैं ताकि सॉस है वो अच्छी तरह से बनके तैयार हो जाए। आइए दोस्तों हमने तैयार किया हुआ सॉस को हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर देते हैं। मैंने हाई पावर पे ही 1 मिनट तक माइक्रोवेव पे रख दिया है। आइए 1 मिनट हो गया है, हम सॉस को चेक कर लेते हैं। देखिए सॉस कितना अच्छा बनके तैयार है। दोस्तों मैंने जब माइक्रोवेव से बाउल को बाहर निकाला था तो वो गर्म था, तो आप प्लीज़ ग्लोव्स पहन के इसे बाहर निकालिए। आइए अब हम नाचोस को मैक्सिकन तरीके से बना के तैयार करते हैं। देखिए मैंने प्लेट में नाचोस चिप्स डाले हैं। अब हमने तैयार किया हुआ सॉस डालेंगे। आइए इसके ऊपर हम चीज़ को ग्रेट करके डाल देते हैं। देखिए चीज़ ग्रेट हो गया है। आइए अब हम चीज़ को मेल्ट होने तक माइक्रोवेव कर देते हैं। मैंने हाई पावर पे दोस्तों 2 मिनट तक रखा है। आइए दोस्तों 1 मिनट हो गई है, हम पहले चेक कर लेते हैं। देखिए 1 ही मिनट में चीज़ मेल्ट हो गया है, तो हमने 1 ही मिनट में नाचो स्टिप्स को बाहर निकाल दिया है। आइए अब हम तैयार किया हुआ मसालेदार राजमा ऊपर डालेंगे। फिर हमने तैयार किया हुआ सालसा भी डालेंगे और थोड़ा सा ये रेडी किया हुआ सॉस डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करें तो और भी डाल सकते हैं, और गार्निशिंग के लिए धनिया। देखिए दोस्तों टेंगी स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी नाचोस मैक्सिकन नाचोस बनके तैयार है। अगर दोस्तों आपको चीज़ ज़्यादा पसंद हो तो आप इसके ऊपर एक और चीज़ का लेयर करके वापस 1 मिनट तक माइक्रोवेव करके भी सर्व कर सकते हैं। हमने नाचोस को सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है और आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझसे कॉमेंट में शेयर कीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। देखा दोस्तों आपने, हमने नाचोस की जो मैक्सिकन डिश है वो कितनी इजीली और कितनी टेस्टी टैंगी खट्टी मीठी बना के तैयार की है। और ये डिश भी होती है स्पाइसी तो सबको बहुत ही पसंद आती है, और ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। मेरे बच्चों को तो ये डिश बहुत ही पसंद आती है, तो अक्सर मुझे बोलते हैं कि मम्मी ये डिश बनाओ हमें खाना है। तो दोस्तों आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सकें। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।